वेलकम बैक कृष्णा इलेक्ट्रिक कोर सेंटर में फिर से एक बार आप लोगों को स्वागत है। आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ गवर्नमेंट सप्लाई से लेके मीटर में कैसे आता है, मीटर से आपको घर में कैसे ले जाना है, एमसीबी में कैसे ले जाना है, एमसीबी से आपका घर का हर रूम में कैसे सर्किट पहुँचाया जाता है। उसके बाद आपको मैं रूम का बोर्ड में वायरिंग करके लाइट और फैन में कैसे लाइन दिया जाता है इसके बारे में टोटल में मैं डायग्राम में बताने वाला हूँ। चलिए आप लोग का टाइम ज़्यादा नहीं लेता हूँ मैं, जल्दी जल्दी मैं आपका ये करके बता देगी। सबसे पहला आपका देखिए ये हम लोग का मीटर है। सबसे पहला हम लोग को गवर्नमेंट का सप्लाई मीटर में आता है। देखिए ये जो गवर्नमेंट का सप्लाई है, देखिए ये हमारा ये टर्मिनल का पहला वाला भाग में आएगा, ये आया। अभी देखिए फेस आया, फेस जैसे आया था इसमें इसका साथ में न्यूट्रल भी आएगा। देखिए आपको ये देखिए न्यूट्रल आया, न्यूट्रल आया। अब इसके बाद हम लोग को क्या होएगा, ये देखिए इसमें चार टर्मिनल है मीटर का, सिंगल फेस लाइन है। अभी उसके बाद हम लोग को जाएगा, देखिए इसमें यहाँ से आपका जो पहला रेड वाला गया है ये लास्ट वाला रेड यहाँ से आउटपुट करेगा मीटर से, यहाँ से आउटपुट करेगा। उसके बाद देखिए ये एमसीबी में जाएगा, आपको एमसीबी है तो एमसीबी में जाएगा, नहीं तो किटकैट हो तो किटकैट, डीपी स्विच है डीपी स्विच, जैसे आप लोगों घर में सिस्टम है। देखिए मैंने एमसीबी लगाया है तो एमसीबी में, एमसीबी का देखिए ये नीचे वाला टर्मिनल में इन करेगा इसमें। अभी ये चला गया, इसके बाद आपको ये जाएगा इसमें, देखिए इसमें जाएगा न्यूट्रल जाएगा, ये देखिए ये न्यूट्रल चला गया एमसीबी में। एमसीबी डीपी स्विच का बात आपका क्या होएगा, इसमें फिर इसको ऊपर वाला टर्मिनल से एमसीबी का आउटपुट करेगा, ये देखिए ये वाला टर्मिनल से आउटपुट होएगा। उसके बाद आपको देखिए ये जो तीन टर्मिनल है इसका नीचे वाला हिसाब में, इस सब में आपको शॉर्ट कराना है। चलिए हम लोग इसको भी शॉर्ट कराते हैं, देखिए ऐसे ये देखिए ये नीचे वाला में शॉर्ट हो गया, तीनों में शॉर्ट करना है आपको। ये तीनों में शॉर्ट हो गया। अभी देखिए हम लोग को ये इसका हो गया आपका इसका ये फेस का। अभी हम लोग को न्यूट्रल का आउटपुट करना है, न्यूट्रल का भी देखिए एमसीबी बॉक्स का ऊपर वाला भाग में देखिएगा ऐसा टाइट करने वाला एक लाइन रहता है, इसमें दे देने का, इसमें नहीं देखिए अगर आप डायरेक्ट भी लेके जा सकते हैं। चलिए अभी हम लोग रूम में सर्किट खींचते हैं। ये सबसे पहला हम लोग फर्स्ट वाला रूम में ले जाते हैं, ये देखिए ये पहला वाला एमसीबी से देखिए हमारा यह आ गया। उसके बाद हम लोग ये नीचे वाला स्विच में सेट करना है। उसके बाद देखिए इसी से ये वाला स्विच में भी सेट करना है, इससे करके सब स्विच में आपको स्टार्ट करना है। देखिए इसमें इसमें हम लोग ने कहा कि ये हमारा रेगुलेटर का है, ये रेगुलेटर का, देखिए रेगुलेटर का दो हिस्सा आपको ऊपर में निकला हुआ मिलेगा। अभी देखिए इसके लिए सर्किट हमारा आ गया है फेस, अब इसके लिए क्या जरूरी है, न्यूट्रल का जरूरी है। हम लोग क्या करेंगे इसको न्यूट्रल भी ले लेंगे। चलिए हम लोग का कहाँ है न्यूट्रल, यहाँ पर है, देखिए यहाँ से हम लोग का एम सी बी बॉक्स का जो ऊपर वाला एक लाइन है एक में हमने सेट करा है, एक चारों होल में कहीं भी आपको लगा लीजिए, यहाँ से आप सीधा देखिए ये 5 मिनट का नीचे वाला हिस्सा में आपको सेट कराना है। देखिए हमारा इसमें हो गया, ये हमारा
पहला रूम बस सर्किट पहुंच गया है। अभी हमको ए रूम का वायरिंग करेंगे। ये देखिए इसमें एन है, एल है, इसमें एन है। अभी ए ऊपर वाला स्विच का हिस्सा से इसमें एल वाला टर्मिनल में देना है। ये हमारा ऑन करेंगे, ये 5 सेकेंड काम करेगा। अभी ऐसे हम लोग को फैन में भी पहुँचाना है। ये देखिए ऊपर वाला जो हिस्सा है इसको एक हिस्सा जो अपना रेगुलेटर फैन का उसका एक में जोड़ देना है अच्छा से। तो उसके बाद ये वाला जो हिस्सा है इसमें लग जाएगी किसमें, ये फैन में। फैन में हम लोग को ये पहुंच गया है। अभी हम लोग को इसमें के लिए क्या चाहिए, न्यूट्रल। न्यूट्रल एक फैन वाला जगह से क्या करेंगे, इसको ले जाके इसको भी यहाँ पहुँचा देंगे। ये क्या हो गया, फैन वाला हिस्सा में हो गया। अभी हम लोग को क्या, ये फैन का पूरा हो गया। अभी हम लोग क्या करेंगे, देखिए अभी हमारा 2 लाइट बाकी है। ये ऊपर वाला हिस्से से देखिए इसको हम लोग को एक वाला इसका टर्मिनल में देना है। देखिए एक टर्मिनल में देना है। अभी हम लोग क्या करेंगे, न्यूट्रल को हम लोग इसी से लूप करेंगे, ये पंखा से। ये देखिए इसको भी हमारा पहुंच गया करेंगे। ये भी हमारा ये स्विच अपडेट चालू करेंगे, ये लाइट जल जाएगा। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको भी हम लोग लाइन दे देंगे। फेस पहुंच गया न्यूट्रल, हम लोग को कहाँ, यहीं से नज़दीक है। हम लोग क्या करेंगे, इसी को लूप करके इसमें पहुंचा देंगे ऐसा करके। देखिए हमारा एक रूम का वायरिंग हो गया। चलिए अभी हमारा दूसरा रूम में सर्किट ले जाना है। दूसरे रूम में कैसे करेंगे, ये वाला देखिए हमारा 3 MCB है। 3 MCB में देखिए ये वाला हिस्सा से हम लोग ले लेंगे। ये वाला में आ गया। अब इसको हम लोग को क्या करना है, देखिए ये जो स्विच बोर्ड है इसका सब में नीचे वाला में सेट करना है। देखिए ये हमारा सेट हो गया। अब इसको हमको क्या चाहिए, सर्किट आ गया, न्यूट्रल भी चाहिए। हम लोग क्या करें, इसी से लूप करेंगे। देखिए ये वाला ही रूम से देखिए ऐसा करके हम लोग क्या चला गया, ये एंड में चला गया 5 इंच सर्किट में, क्योंकि ये सर्किट इतना हम लोग को ज़रूरी है। जहाँ पर 5 इंच सर्किट लगता है वहाँ पर न्यूट्रल का ज़रूरी है। चलिए अभी हम लोग इसको क्या करेंगे, चालू करेंगे ये 5 इंच सर्किट का एल वाला जो लिखा रहता है निशान मार्क एल, उसी में हमको ये स्विच का एक शॉर्ट कर देना है। अभी हम लोग ये चालू करेंगे, ये 5 इंच सर्किट काम करेगा। अभी देखो ऐसे देखिए अभी फैन को हम लोग लाइन देंगे। फैन को कैसे लाइन देंगे, देखिए ये जो है हमारा ऊपर वाला हिस्सा में जो है 2 तार निकला रहता है रेगुलेटर का। एक तार को क्या करेंगे हम लोग ए वाला स्विच में देंगे, एक को हम लोग क्या करेंगे सीधा ले जाएंगे पंखा वाले में। ये देखिए पंखा में पहुँच गया। अभी हम लोग क्या करेंगे, इसको फेस भी है, इसको फेस पहुँच गया। अभी हम लोग को न्यूट्रल पॉइंट भी पहुँच गए। न्यूट्रल हम लोग क्या करेंगे, यहीं से हम लोग लूप करके ये देखिए ये भी हमारा पहुंच गया, इसको लाइन मिल गया। ये पंखा हम लोग ये स्विच चालू करेंगे और रेगुलेटर से हम लोग स्पीड कम बेसी करेंगे इसको भी। और ये वाला बल्ब को हम लोग को देखिए क्या करना है, ये वाला हिस्से से हमको देना है ऊपर। ये देखिए ये वाला हिस्सा में देखिए हो गया। अभी न्यूट्रल इसको हम लोग कहाँ से देंगे, इसको बल्ब जलने के लिए न्यूट्रल का भी ज़रूरी है। देखिए ये हमारा फैन है, इधर से हम लोग लूप करेंगे। ये देखिए ये लूप हो गया। ये देखिए इसको लाइन ऐसे मिल गया। और ऐसे हम लोग फिर ये वाला कैसे करेंगे, ये वाला का भी सेम प्रोसेस रहेगा। देखिए इसको लाइन दे देंगे ऐसा। और इसको देखिए इसका न्यूट्रल क्या करेंगे, हम लोग न्यूट्रल का हम लोग
लाइट से हम लोग लूप करके दे देंगे। देखिए इसको भी हो गया, हम लोग पूरा घर पे सर्किट चले गया। अभी हम लोग थर्ड वाला रूम में करेंगे, इसमें कैसे लेके आएंगे, इसका भी सेम प्रोसेस है। देखिए ये वाला एमसीबी है, इससे हम लोग लेके आएंगे। देखिए हम लोग ये वाला स्विच में शॉर्ट कर दिया। अब उसके बाद क्या होएगा, इस स्विच से आप ये वाला स्विच शॉर्ट होएगा, ये वाला स्विच शॉर्ट होएगा, ये पूरा स्विच का नीचे वाला टर्मिनल शॉर्ट होएगा। हम लोग को न्यूट्रल का भी जरूरी है, हम लोग न्यूट्रल क्या ये सेकेंड रूम नजदीक आएगा, यहीं से हम लोग इसको लूप करेंगे। देखिए ये हमारा आ गया, ये देखिए इसमें आ गया। अभी हम लोग का क्या है, ये रूम में हम लोग को सर्किट पहुंच गया है। अभी हम लोग को क्या करना, देखिए इसको हम लोग को पंखे को देंगे। देखिए पंखे का ये रेगुलेटर दो वाला टर्मिनल रहता है, उसमें देखिए दो तार निकला हुआ रहता है, इसमें भी उसको सॉरी इसमें नहीं ये वाला में देखिए इसमें निकला रहता है। अभी उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, ये वाला स्विच से पंखा ऑपरेट करेंगे, इसमें दे देंगे। अभी ये वाला हम लोग क्या करेंगे, सीधा पंखे को लेके दे देंगे, पंखे में चला गया। और इसके लिए दूसरा भी लगेगा, हम लोग क्या लगेगा, न्यूट्रल लगेगा। और न्यूट्रल हम लोग कहाँ से देंगे, इसको देखिए ये वाला ऐसे से दे देंगे, ये वाला ऐसे से, ये देखिए न्यूट्रल चला गया। ये हमारा अभी हम लोग ये स्विच ऑपरेट करेंगे, ये हमारा पंखा चालू हो जाएगा। अभी देखिए ये वाला 5 इंच सर्किट के लिए, देखिए ये वाला ऐसे सर्किट है, ये हमारा स्विच से ये 5 इंच सर्किट ऑपरेट होएगा। अभी ऐसे करके हम लोग इसको क्या करेंगे, लाइट को भी दे देंगे एक लाइट। ये देखिए अब न्यूट्रल हम लोग इसको कहाँ से देंगे, न्यूट्रल देखिए न्यूट्रल हम लोग नज़दीक एक फैन है, तो हम लोग इसी से हम लोग यहाँ से लूप करेंगे, तो हम लोग को चला जाएगा। ये देखिए ये भी पहुँच गया। अभी क्या होगा, हम लोग ये स्विच करेंगे ना, ये चले चालू हो जाएगा। अब ऐसे ये लास्ट वाला देखिए, अभी इसको भी हम लोग को देना है, इसका भी ऊपर वाला हिस्सा से ले जाएंगे, नीचे इसको दे देंगे, भी जरूरी है इसको देखिए यहीं से लूप करके दे देंगे। देखिए ये हमारा पूरा रूम हो गया। देखिए ऐसे करके आप लोग पूरा घर का वायरिंग कर सकते हैं। चलिए तो आप लोगों को कैसे लगता है कमेंट करके बताइए, ऐसे वीडियो के लिए आप लोग कमेंट करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। हम लोग को ये आप लोग का लाइक शेयर करते हम लोग को बनाने का नया वीडियो बनाने का अच्छा लगता है। जय हिंद, वंदे मातरम।